हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव एंड वेलकम टू माय चैनल GPL एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो आप वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट आपको सुनाना चाहूँगा। तो मोटिवेशन थॉट क्या है, मोटिवेशन थॉट क्या है मैं आपको बताता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। चलिए इसी पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पार्ट फोर होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फोर है। इसके पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बना दिया गया है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है 3 2θ * 10 2θ = 1, तो 10 3θ = क्या होगा, हमसे 10 3θ = क्या होगा इसका वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। देखिए क्या होगा, हमारे लिए हम लोग 10 2θ * 10 4θ = 1। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या लगा, हम लोग 10 2θ = 1 अपन इसे लिख सकते हैं, हम लोग 1/10 4θ इतना हम लोग लिख सकते हैं इजीली। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, देखिए 10 2θ इसे हम लोग लिख सकते हैं cot 4θ, क्या लिख सकते हैं cot 4θ। अब मैं पार्ट थ्री में आपको रिवा को भेजने वाला हूँ, देखिए कैसे जाते हैं आप लोग पार्ट थ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा क्या होता है जब यहाँ 10 होता है और यहाँ cot होता है, यानी कि डिफरेंस यानी कि चेंज होता है, 10 cot sin cos होता है। तो क्या करते हैं, ये इसका अंश जो θ1 θ2 है उसका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। पार्ट थ्री में मैंने बताया हुआ है, तो 10 4θ + 2θ कितना होगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 6θ = 90 डिग्री, θ = 90/6। तो थीटा को वैल्यू में मिल जाएगा 45.3। ओके, कितना मिलेगा 45.3, यानी थीटा का मिल गया हमें 45.3। ये हमारा किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। अब हमसे पूछा जा रहा है हमसे 10 3θ का वैल्यू कितना होगा, तो 10 3θ का वैल्यू 45.3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 10 45 डिग्री और 10 45 का वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन का इसके आंसर आ गया 1। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी, cot 4θ * cot 6θ = 1, तो थीटा इक्वल क्या होगा। तो दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ को जाएगा cot 4θ = 1/ लिख सकते हैं हम लोग cot 6θ, लिख सकते हैं ना, जहाँ इंटू में है इधर मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो cot 4θ * ये बन जाएगा हमारा 10 6θ। ओके, देखिए 4θ + 6θ = क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, सॉरी 90 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 90 डिग्री मिल जाएगा। मैंने पार्ट थ्री में बताया हुआ है ये कैसे हो रहा है, तो पार्ट थ्री आप लोग देख लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 4 * कितना जाएगा 10θ = 90 डिग्री, θ = क्या मिल जाएगा हमें 90/10, यानी 90 से कैंसिल, यानी कि हमें मिल जाएगा 9 डिग्री, कितना मिलेगा 9 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थर्ड है 10 35° / cot 58° / 10 12°
इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू कितना होगा एक सेकंड में, इजीली एक सेकंड में आप लोग बताओगे। देखो पार्ट वन में मैंने बताया, किसमें बताया, पार्ट वन में मैंने सिखाया हुआ है टेन कार्ड साइन का सेक कोसेक, यानी डिफरेंस, यानी ये अलग अलग हो और इसका जो एडिशन हो यानी योग हो वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। साइन है तो कॉस होना चाहिए, टेन है काट होना चाहिए, काट है यहाँ पर है तो यहाँ टेन होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ 35 प्लस 55 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, ये हमारा बन गया यहाँ पर। देखिए यहाँ 78 प्लस 12 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू होगा वन प्लस 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 मैंने लगाया, और इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। जब इसे ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा टू। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थर्ड आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो पार्ट वन देख कर आइए और फिर इस पार्ट को देखिए, अच्छे से समझ आएगा। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग पार्ट थ्री को देख कर आइए, जिससे आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। तो पार्ट फोर को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।